हेलो एवरीवन वेलकम टू एम एस एजुकेशनल टी इस वीडियो में हम डी एल्ड सेकेंड ईयर स्कूल संस्कृति नेतृत्व तथा तो परिवर्तन यानी कि स्कूल कल्चर लीडरशिप एंड चेंज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय विद्यालय तथा तो नवोदय विद्यालय में क्या अंतर है दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है देखिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए की गई क्योंकि उनका स्थानांतरण पूरे देश में होता रहता है इन विद्यालयों में सहज शिक्षा का प्रावधान है इन विद्यालयों में हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है सैनिक विभाग के कर्मचारियों के लिए भी इन विद्यालयों का अधिक उपयोग होता है इन विद्यालयों का अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा आयुक्त होता है और प्रशासन की दृष्टि से देश के देश को क्षेत्रों में बांट दिया जाता है प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय सहायक शिक्षा आयुक्त होता है जो उस क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय को देखता है और शिक्षकों की जो नियुक्ति करता है नेक्स्ट बात करें नवोदय विद्यालय की तो नवोदय विद्यालयों की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्नीस को सचिव के अनुसार की गई इन विद्यालयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु की गई इन विद्यालयों में सह शिक्षा का प्रावधान है इन विद्यालयों में कक्षा छः से लेकर बारह तक के बारह तक की कक्षाओं को संचालित किया जाता है इसमें छात्रों और छात्राओं के छात्रावास की सुविधा होती है नवोदय विद्यालय में पिचहत्तर ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को प्रवेश दिया जाता है प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला गया है जिन छात्रों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलता है उनका संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार वहन करती है आगे देखते हैं नवोदय विद्यालयों तथा केंद्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा परीक्षाओं का संचालन केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड करता है नेक्स्ट केंद्रीय स्तर पर शिक्षा अधिकारियों की भूमिकाओं का आपको वर्णन करना है शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है जिसका पूर्ण नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन है शिक्षा तथा सांस्कृतिक उपमंत्री इनकी सहायता करते हैं सचिवालय का जो है सचिवालय का नेतृत्व तो शिक्षा सचिव द्वारा किया जाता है जिसका सहयोग अपर सचिव द्वारा किया जाता है शिक्षा विभाग ब्यूरो प्रभागों शाखाओं डेस्कों अनुभागों तथा ये जो है एक में संगठित है प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव यह संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभार से होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न सत्रों पर विभिन्न शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय विद्यालय तथा तो नवोदय विद्यालयों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है इन विद्यालयों का अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा आयुक्त होता है और प्रशासन की दृष्टि से देश के क्षेत्रों में बांट दिया गया है प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय शिक्षा आयुक्त होता है जो उस क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों को देखता है तथा शिक्षकों की नियुक्ति भी करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए कि की क्या क्या कार्य होते हैं पहला है शिक्षा नीति का निर्धारण तथा राज्य की शिक्षा पद्धति के लिए नेतृत्व प्रदान करना दूसरा है शिक्षा से संबंधित विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का विधानमंडल के समक्ष उत्तर देना तथा शिक्षा संबंधी विधायन जो है में विधानमंडल को परामर्श देना थर्ड है शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना फोर्थ है राज्य की शैक्षिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना तथा तो विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामों की जांच करना ये सभी शिक्षा मंत्री के जो कार्य हैं नेक्स्ट फाइव नंबर पे निजी प्रबंध को तथा तो स्थानीय संस्थाओं को स्कूलों के संचालन में सहायता देना शिक्षा मंत्री अपने कार्यों को दो अभिकरणों के माध्यम से संपन्न करता है एक है शिक्षा सचिवालय और दूसरा शिक्षा निदेशालय नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिक्षा निदेशक की भूमिका तथा उत्तरदायित्व तो का वर्णन आपको करना है यानी कि एजुकेशन डायरेक्टर की क्या क्या भूमिका है क्या क्या उत्तरदायित्व है उसका शिक्षा निदेशालय का सबसे बड़ा अधिकारी शिक्षा निदेशक होता है जो कि शिक्षा संबंधी मामलों में शिक्षा मंत्री का विशेष परामर्शदाता होता है वह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्यपालिका का शक्ति है और संपूर्ण राज्य शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है वह राज्य की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी होता है वह राज्य की प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था करता है आगे है राज्य के निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों स्थानीय निकायों की शिक्षा समस्याओं तथा उसके उनके समाधान के लिए उत्तरदायी होता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य की संपूर्ण शिक्षण पद्धति का उस पर उत्तरदायित्व है वह राज्य के विश्वविद्यालय के सिंडिकेट या कर्मचारी जो है कार्यकारिणी परिषद लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि का पदेन सदस्य होता है शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए विभिन्न शिक्षा अधिकारी उप शिक्षा निदेशक सहायक शिक्षा निदेशक आदि होते हैं इन संचालकों के अधीन विद्यालय निरीक्षक विद्यालय निरीक्षक उप विद्यालय निरीक्षक उप विद्यालय निरीक्षक सहायक उप विद्यालय निरीक्षक आदि होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका तथा तो उत्तरदायित्व तो का वर्णन कीजिए यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की क्या भूमिका है क्या उत्तरदायित्व तो है जिला स्तर शिक्षा प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है इस स्तर का, का, के कार्य संचालन पर ही विद्यालय शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम की सफलता या असफलता निर्भर करती है जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसकी सहायता के लिए बहुत से अधिकारी होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य जिले के विद्यालयों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना तथा उसकी व्याख्या को प्रस्तुत करना है इसका मुख्य कार्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के प्रबंध का निरीक्षण करना होता है आगे है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका तथा उत्तरदायित्व देखिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का कार्य जिला स्तर पर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के प्रबंध का निरीक्षण करना होता है यह जिला प्रारंभिक विद्यालय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है यह जिले के प्रारंभिक विद्यालयों की कार्य प्रणाली का, का निरीक्षण करता है और उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका और उत्तरदायित्व तो का आपको वर्णन करना है जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफिसर यानी कि बी कुछ राज्यों में शिक्षा के प्रशासन की दृष्टि के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को ब्लॉकों में बांट बाट दिया जाता है पंजाब और हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा प्रशासन के लिए इस सतर की प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी तथा मौलिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है इन अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को देखना होता है कि निःशुल्क व खंड माध्यमिक शिक्षा कहाँ तक लागू की जा रही है तथा उसमें कितनी सफलता मिली है ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन को विशेष महत्व देते हैं कुछ <sips> राज्यों में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्य उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है परंतु इन अधिकारियों का जिला स्तर से संबंधित करके उन्हें प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य सौंप दिया जाता है साथ ही में अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने का कार्य करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय कार्यों को सफल बनाने के लिए विद्यालयों को समर्थन या सहायता प्रदान करते हैं सामुदायिक संगठन अभिभावक अध्यापक समर्थन संगठन गैर सरकारी संगठन या व्यक्तियों के समूह व्यक्तियों का समूह आदि विद्यालय समर्थन संगठन कहलाते हैं जिनका उद्देश्य विद्यालयों की कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए सहायता या समर्थन देना होता है आगे है अभिभावक अध्यापक सर जो समर्थन संगठन घर तथा विद्यालय परस्पर सूझबूझ बढ़ाने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकते हैं इन संगठनों का समय समय पर सभाएं होती हैं तथा तो उसमें घर स्कूल तथा तो 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 विद्यालयों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है इन संगठनों का समय समय पर सभाएं होती हैं और इसमें घर देखिए विचार विमर्श किया जाता है आगे है इन संगठनों की बैठकों में पाठ्यक्रम शिक्षण विधियाँ तथा बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण आदि के संबंध में भी जो विचार विमर्श किया जाता है ऐसे संगठनों द्वारा मैत्री तथा सद्भावना की सद्भावना को सशक्त करने के लिए प्रयास किया जाता है विद्यालय शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालय समर्थन संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है समाज एक महत्वपूर्ण समर्थन संगठन है जो विद्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करता है नेक्स्ट nice क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप क्या समझते हैं देखिए ब्लैक बोर्ड का मतलब आपको पता होगा श्यामपट जिसमें जैसे कुछ लिखते वगैरह है वो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जो है प्रतिमात्मक नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जब हम शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं उसमें गुणवत्ता लाने की बात करते हैं तो अनायास ही हमारा ध्यान देश के प्राथमिक स्कूलों की ओर चला जाता है जहाँ न तो अच्छे भवन है और न ही अन्य शैक्षिक सुविधाएं जहाँ प्राथमिक स्कूलों में एक या दो कमरे हैं कमरे भी हैं हैं भी वे भी असुरक्षित हैं अधिकतर स्कूल एक अध्यापकीय स्कूल है इसलिए उन्नीस में बनी में बनी नई शिक्षा नीति में एक अभियान आरंभ करने का एक प्रस्ताव किया गया जिसका सांकेतिक नाम है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन का मतलब है अभियान शब्द एक कार्यक्रम की आवश्यकता व महत्व को सूचित करता है अर्थात इस कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से आरंभ करता है पाठ्यक्रम शब्द सांकेतिक जिसका अर्थ होता है विद्यालय में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना विद्यालय में सीखने संबंधित सामग्री ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सीखने संबंधी सामग्री का वर्णन कीजिए इसमें सीखने सा, संबंधी सामग्री कौन कौन सी है पहला है पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें व शिक्षक जो है संदर्शिकाए नेक्स्ट है संसार भारत राज्य तथा जिले का मानचित्र नेक्स्ट आवश्यक चार्ट खिलौने तथा प्लास्टिक का एक ग्लोब नेक्स्ट टूल किट जैसे कैंची थोड़ा प्लास आदि सामग्री हो नेक्स्ट है रेडियो व टेप रिकॉर्डर नेक्स्ट है पुस्तकालय जिसमें प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए दो पुस्तकें उपलब्ध हों नेक्स्ट है दो पत्रिकाएं जिसमें एक बच्चे से संबंधित हो तथा तो दूसरे अध्यापक के लिए हो एट नंबर पे है विद्यालय किट तथा अन्य अधिगम सामग्री ये सभी जो है ब्लैक बोर्ड के लिए जो है संबंधित सामग्री हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामपट अभियान वह उन्नीस की संशोधित शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए उन्नीस सौ की संशोधित शिक्षा नीति में कहा गया कि श्यामपट अभियान के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा इसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रत्येक मौसम में उपयोग के लिए उपयोग के योग्य तीन बड़े कमरों की व्यवस्था का प्रावधान सॉरी प्रस्ताव किया गया शिक्षकों की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए कहा गया कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षकों को काम करना चाहिए नीति के अनुसार भविष्य में भर्ती की जाने वाली भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में कम से कम पचास प्रतिशत महिलाएं होंगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार कर उसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाएगा स्कूल भवनों के निर्माण को जवाहर रोजगार योजना में प्राथमिकता दी जाएगी आगे है यह भी अपेक्षा की गई थी कि अभियान को सफल बनाने में शासन स्थानीय निकायें स्वयंसेवी संस्थाएं तथा व्यक्तियों की पूरी भागीदारी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की प्रगति की समीक्षा कीजिए ठीक है इस योजना को प्राय सभी स्कूलों में बड़े उत्साह के साथ अपनाया गया वर्ष उन्नीस से अठासी में इसके लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जुलाई उन्नीस तक इसे लगभग सभी राज्यों में आरम्भ किया जा चुका था देश में ग्यारह ब्लॉकों के दो सौ तिरपन दो सौ तिरपन कम्युनिसिपल क्षेत्रों के एक लाख एक हज़ार आठ सौ इकसठ विद्यालयों में इसे लागू किया गया था और चौतीस हजार एक सौ सत्तावन अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी राज्य सरकारों ने दो सौ उनतालीस करोड़ रुपए भवन निर्माण कार्य पर व्यय किए तथा बेहतर करोड़ से अधिक सामग्री खरीदने के लिए स्वीकृति किए गए मार्च उन्नीस सौ बानवे तक इस योजना को पाँच हजार तीन सौ पिचासी सामुदायिक विकासखंडों तथा ग्यारह सौ बालीस कम्युनिसिपल क्षेत्रों के लगभग चार लाख यानी कि फोर पॉइंट वन फोर लाख विद्यालयों में शुरू किया गया यों तो इस योजना को देश भर के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने का प्रस्ताव था पर के अभाव के कारण यह संभव नहीं हो सका टू पॉइंट थ्री नाइन यानी कि दो पॉइंट तीन नौ लाख कक्षा कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था पर केवल एक लाख का ही निर्माण संभव हो पाया एक अध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालयों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया और एक पॉइंट पाँच दो लाख एक अध्यापकीय विद्यालयों में लगभग सत्तर हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति की गई इस प्रकार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास जारी है यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एग्जाम नोट्स लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग